hi everyone i'm karan masrook welcome to this video this video among discuss Cannavale code codeforces round 837 division 2 problem c that is awesome and trainees also before moving on make sure you register for the upcoming coding contest by newton school for some amazing experiences and prizes link is given there in the description as always let's start by understanding the question awesome as n trainees ये असाइंड नंबर ए आई टू द आईथ ट्रेनी ठीक है क्या बोला गया है कि टोटल एन नंबर ऑफ ट्रेनीज है एंड आइथ ट्रेनी को एक नंबर असाइन किया गया है ए आई ओके

There exists an integer X which is greater than or equal to 2 and it divides AI as well as it divides AJ means it is a divisor of both AI and AJ it is a common factor in both it is greater than or equal to 2 and I is not equal to J then this pair of trainees I and J are called successful pair awesome wants to know if there is a successful pair of trainees होसम इज वेरी टायर्ड नाउ सो ही आस्क यू फॉर हेल्प तो अब होसम ये जानना चाहता है कि आउट ऑफ ऑल दी पॉसिबल पेयर्स ठीक है पॉसिबल पेयर्स कितनी हो सकती है एनसी टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ठीक है एक पेयर में कोई भी दो को ले लो क्या एटलीस्ट एक पेयर ऐसी एग्जिस्ट करती है विच इज सक्सेसफुल ठीक है वो टू नो इफ देर इज अ सक्सेसफुल पेयर ऑफ ट्रेनिंग मतलब क्या एक भी ऐसी पेयर है जिनमें की कोई ऐसा कॉमन इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जो कि दोनों के ट्रेनी के नंबर को डिवाइड करता हो ठीक है इनपुट किस तरह से दिया गया है इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है एन दैट इज द नंबर ऑफ ट्रेनिज एंड नेक्स्ट लाइन में एरे ए के एन एलिमेंट्स दिए गए दैट इज द नंबर असाइन टू ऑल दी

पे मूव करते हैं सो so, अब यहाँ पे अगर और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारे पास एन ट्रेनिज हैं सभी को एक इंटीजर ए असाइन किया गया है हमें पूछा गया है इफ देर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ ट्रेनिज क्या एटलीस्ट एक पेयर ऐसी एग्जिस्ट करती है आई कॉमा जे वेर इज नॉट इक्वल टू जे एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू टू सच दैट ए आई इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एक्स एंड ए जे इज ऑल्सो डिविजिबल बाई एक्स अगर ऐसा है तो यस प्रिंट करना है ठीक है आउट ऑफ ऑल दी पॉसिबल पे

लूप लगाएंगे तो वो एन स्क्वायर में चला जाएगा और वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा तो यहाँ पे हमें कुछ बेटर सोचना पड़ेगा तो एक बात समझो यहाँ पे हम बेटर क्या सोच सकते हैं हम एक काम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं सभी जो नंबर्स हैं उनके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं ठीक है उनको हम कहीं स्टोर कर देंगे और अगर कोई प्राइम फैक्टर एक बार से ज्यादा रिपीट हुआ मतलब कि मान लो हमने आइथ

तो ये हमारी अप्रोच यहाँ पे रह सकती है कि हम क्या करेंगे हम वन बाय वन वन से लेकर तक ट्रावर्स करेंगे इंडेक्स को सभी के जो प्राइम फैक्टर्स है वो स्टोर कर देंगे ठीक है वो कितनी बार अक्कर जैसे कि एट है तो उसका प्राइम फैक्टर है टू तो वो थ्री टाइम्स आ रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है हम स्टोर कर देंगे कि भाई टू आ चुका है नाउ लेट सपोज नेक्स्ट इंटीजर सिक्सटीन आया तो सिक्सटीन में भी टू है तो टू इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ तो वो सक्सेसफुल पेयर हो गई तो ऐसे हम वन से लेकर तक ट्रावर्स करेंगे सभी के जो भी प्राइम फैक्टर्स है वो स्टोर करते जाएंगे और अगर कोई प्राइम फैक्टर पहले आ चुका है और रिपीट होता है इसका मतलब देर एग्जिस्ट अ सक्सेसफुल पेयर और आंसर यस प्रिंट कर देंगे ठीक है तो ये हमारा कहीं ना कहीं कंसेप्ट रहेगा अब यहां पे एस सच अब कोई कंसेप्ट नहीं है मेजरली डिसीजन यही होगा कि हम इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करें ठीक है तो एक बात समझो अगर मेरा नंबर ए ओफ आई टेन की पावर नाइन तक है तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने में भी हमें और प्राइम फैक्टर्स हम क्यों देख रहे हैं क्योंकि हो सकता है दो नंबर के बीच में कोई बड़ा फैक्टर हो जो कि प्राइम ना हो जैसे कि 21 और 42 के बीच में 21 वन इज अ कॉमन फैक्टर विच इज नॉट अ प्राइम बट 14 और 21 के बीच में कॉमन फैक्टर है सेवन विच इज अ प्राइम फैक्टर यहां पे 21 नहीं है सेवन इसमें भी कॉमन है समझ रहे हो तो हमें क्या चेक करना है इफ देर एग्जिस्ट प्राइम फैक्टर क्योंकि कोई एक भी फैक्टर अगर मैच हो गया तो वो चल जाएगा अब यहां पे 14 और 21 चेक करके कोई फायदा नहीं है सिमिलरली यहां पे 21 क्यों चेक करें हम प्राइम फैक्टर ही चेक करेंगे अगर कॉमन प्राइम फैक्टर होगा तो यस yes हो जाएगा ये ट्वेंटी है कॉमन बट प्राइम भी तो है सेवन ठीक है तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को ही चेक करेंगे इस तरह के नंबर्स को यहां पे चेक नहीं करेंगे नाउ इसका एक और बेनिफिट हो जाएगा वो ये है कि जब हम ए ऑफ आई है उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं मान लो अभी हम प्राइम नहीं तो आप एक बात समझो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियरली कितनी हो जाएगी एन नंबर्स है सभी नंबर के फैक्टर्स में प्राइम वर्ड यूज नहीं कर रहा ठीक है सभी नंबर्स के फैक्टर्स को निकालने में कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ टेन की पावर नाइन एन की वैल्यू टेन की पावर फाइव तक है एंड दिस 10 की पावर नाइन ठीक है तो ये जो है कहीं ना कहीं टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा तो इसको भी रिड्यूस करने में हमारी हेल्प होगी अगर हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि कोई प्राइम फैक्टर रिपीट होता है कि नहीं इसके वजह कि इसके सारे फैक्टर्स निकाले ठीक है वो कैसे हम क्या कर सकते हैं देखो इसके स्क्वायर रूट तक ये तो आपको पता ही होगा किसी के हम फैक्टर स्क्वायर रूट तक कैसे निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वन से लेके एन तक है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एन है तो इसका अगर कोई एक फैक्टर होगा ठीक है लेट सपोज एन इज लेट सपोज इट इज सिक्सटीन तो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या है फोर ये टू भी उसका फैक्टर है तो टू इन टू ए वुड गिव रूट के लेफ्ट हैंड साइड एक फैक्टर है और स्क्वायर रूट के राइट हैंड साइड एक फैक्टर है तो हमें पूरा ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं है हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट तक ट्रावर्स कर सकते हैं और जो भी फैक्टर आता है जैसे कि टू आ गया तो हम अब क्या करेंगे 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट के राइट हैंड साइड वाला जो फैक्टर होगा जो इसके साथ पेयर करके हमें n देगा वो मिल जाएगा जैसे कि 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 मिल गया तो सिर्फ स्क्वायर रूट तक ट्रावर्स करना पड़ेगा लेकिन वो भी कहीं ना कहीं टाइम लिमिट एक्सिट दे रहा हो ऐसा लग रहा है तो अब हमने क्या देखा कि सिर्फ प्राइम फैक्टर्स कॉमन है कि नहीं यही चेक कर लेंगे ठीक है जैसे कि हमने एक में देखा था कि 21 कॉमन था 21 और 42 में बट उसमें सेवन भी कॉमन है थ्री भी कॉमन है तो वाई शुड वी चेक 21 ठीक है इससे और एक क्या बेनिफिट होगा हम क्या कर सकते हैं टेन की पावर नाइन का जो स्क्वायर रूट होगा वहां तक के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन में टू बी मोर लाइक टू टेक अ मोर राउंडिंग फिगर मैंने क्या किया है मैंने 10 की पावर 5 तक के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो अगर कोई नंबर 10 की पावर 9 रेंज का है और उसका कोई फैक्टर 10 की पावर 5 से पहले आता है प्राइम फैक्टर तो उसके साथ पैरअप कौन सा नंबर करेगा वो भी मुझे मिल जाएगा हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी बट कहने का मतलब ये है कि टेन की पावर फाइव तक के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा अभी हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो जैसे पूरा खत्म होगा सब क्लियर हो जाएगा अब टेन की पावर फाइव तक के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ठीक है थीके? ओके अब ये जो है ये अगर आप टेन की पावर फाइव तक के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो सी ओ फिर मेथड से ये टेन की पावर फाइव लॉक टेन की पावर फाइव जितना टाइम जाएगा ठीक है ऑल्सो ये प्राइम फैक्टर्स है ना वो अप्रोक्सीमेटली 9500 जितने जितने मिलेंगे हालांकि इतना का भी यूज नहीं है हमें तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 9 तक जाना है बट जस्ट टू टेक अ राउंडिंग फिगर 10 की पावर 5 तक अगर हम ले तो ये इतने प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं हम इनको एक वैक्टर में स्टोर कर सकते हैं तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ टेन की पावर नाइन तक ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे फैक्टर्स नहीं निकाल रहे हैं हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नंबर को ही ट्रेवर्स करना होगा फॉर ईच ए ऑफ आई ठीक है ओके नाउ अगर मोर प्रीसाइस आप जाओगे तो वो नंबर इससे भी छोटा हो जाएगा बट ये भी टेस्ट केस पास कर लेगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखो धीरे धीरे आप साइड बाय साइड इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करते हैं इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन साथ लिया है इनिशियली मैं क्या करूंगा आंसर वेरिएबल को नो no ले लूंगा ठीक है देर नॉट एग्जिस्ट एनी सच पैर फिर एक अनऑर्डर्ड मैप लूंगा जिसमें कि अनऑर्डर्ड मैप लॉन्ग लॉन्ग और बुलियन जिसमें कि जो भी अभी तक फैक्टर्स आ गए हैं उसको मैं स्टोर करूंगा मार्क कर दूंगा ठीक है एमपी ये मैप का नाम एमपी रखा है सबसे पहले तो मुझे टेन की पावर फाइव तक के प्राइम नंबर्स चाहिए वो कैसे मिलेगा मैं एक एरे लेता हूं पी ऑफ टेन की पावर फाइव प्लस वन और इनिशियली मैं इनमें सभी वैल्यूज को वन कर दूंगा वन का मतलब वो प्राइम नंबर है जीरो का मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है नाउ सी ऑफ हम यूज कर सकते हैं फॉर आई इक्वल्स टू टू आई लेस इक्वल टू टेन की पावर फाइव आई प्लस प्लस इफ पी ऑफ इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन मतलब कि ये प्राइम नंबर है तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने सबको वन कर दिया है सो फॉर जे इक्वल टू आई स्क्वायर अब आप बोलोगे कि यहां पे जे इक्वल टू टू आई क्यों नहीं लिया क्योंकि टू आई वाला जो है वो इससे पहले कवर हो चुका होगा ठीक है यहां पे हम आई स्क्टर के बाद वाले ही नंबर लेने टू आई लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके प्रूफ में हम डिटेल में नहीं जा रहे 5, J plus equals to I. तो जितने भी आई के मल्टीपल होंगे उसका मैं जो पी ऑफ जे है जीरो कर दूंगा क्योंकि वो ऑब्वियसली प्राइम प्राइम नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि अगर आई प्राइम नंबर है तो उसके मल्टीपल कैसे प्राइम नंबर हुए अगर सेवन प्राइम नंबर है तो फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव प्राइम नंबर नहीं होंगे तो इससे मुझे जितने भी प्राइम नंबर्स है वो आ, उस वो अभी इस फॉलूब के बाहर निकलने के बाद उनकी वैल्यू वन होगी पी ओफ फाइव वन होगी अगर आई प्राइम है तो इस इसमें इसमें टाइम कितना लगेगा टेन की पावर फाइव लॉग टेन की पावर फाइव ठीक है एक काम हो गया अब इसको वेक्टर में स्टोर करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा एक वेक्टर ले लेता हूं और इसका नाम दे देता हूं पी आर इसमें मैं सभी प्राइम नंबर स्टोर कर देता हूं फॉर आई इक्वल टू टू यहां पे आई इक्वल टू जीरो और वन भी वन होगा हालांकि वो प्राइम नंबर नहीं है बट उनका कोई यूज भी नहीं है तो हम सिंपली इग्नोर कर सकते हैं की ठीक है If P of I equals to equals to one, मतलब कि वो prime number है then pr. इस वेक्टर में आई को पुश कर दिया मतलब इसमें सारे प्राइम नंबर मैंने डाल दिए नाउ लेट मी टेक वेरिएबल पी वन एज मतलब कि जो प्राइम से लेकर की पावर 5 तक के बीच में जिनको हमने ये अप्रोक्सीमेटली नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो आप प्रिंट करके देख सकते हो अब मुझे क्या करना है अब मुझे एरे को ट्रावर्स करना है और ये जो प्राइम फैक्टर्स है उनसे डिवाइड करना है ठीक है और अगर उनको मुझे यहां पे मैप में स्टोर करते जाना है कि ये फैक्टर आ गया ये फैक्टर आ गया ये फैक्टर आ गया अगर कोई फैक्टर एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो मैं आंसर वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट नो था यस yes कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा ठीक है फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं होगी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी टेन की पावर फाइव जितनी ठीक है ये टेन की पावर फाइव लॉक टेन की पावर फाइव ये टेन की पावर फाइव साइज का फोल लूप लगेगा ठीक है और ये जो फोल्ड लूप है वो भी टेन की पावर फाइव और ये लॉक टेन की पावर फाइव ओके नाउ अब एरे को ट्रावर्स करना है फॉर यहाँ पे थोड़ा और आगे एक चीज है बताने वाली वो जैसे हम पहुँचेंगे मैं बता दूंगा अब मुझे क्या चाहिए इफ सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर ऑफ सॉरी अब आई इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं ना तो कहाँ से बात स्टार्ट करनी है देखो इसको मैं रब कर देता हूँ कहाँ से बात स्टार्ट करनी है फॉर j जो भी prime factor से उनके उनकी बात इफ प्राइम फैक्टर जो jth इंडेक्स पे है इन टू प्राइम फैक्टर जो jth इंडेक्स पे है वो ग्रेटर देन ए ऑफ आई है तो ब्रेक कर दो है ना अगर मैं नाइन की हमें स्क्वायर रूट तक ही जाना है फैक्टर्स के लिए हमने देखा था अगर मैं नाइन की बात कर रहा हूं ठीक है ए ओ फाइव मेरा नाइन है तो प्राइम फैक्टर फाइव का कोई काम नहीं है फोर का भी कोई काम नहीं है ठीक है ओके नाउ क्यों क्योंकि एक स्क्वायर रूट ऑफ एन के यहां पे फैक्टर होगा तो दूसरा यहां पे होगा दो फैक्टर यहां पे नहीं हो सकते बिकॉज दिस दिस इनटू विल गिव मी अ बिगर नंबर ये n नहीं हो सकता सो so, एन के दो फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ एन के राइट हैंड साइड पे नहीं हो सकते ना स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू रूट ऑफ एन इज एन हाउ कैन बी टू बिगर नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एन इक्वल टू एन राइट तो इसीलिए यहाँ पे एक ही नंबर हो सकता है और वो हम कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं उसका जो पैर है मतलब ये ए है ये बी है और ए इंटू बी एन है तो हम एक एन को ए से डिवाइड करेंगे और बी मिल जाएगा ठीक है ओके तो इसीलिए हम ब्रेक कर देते हैं हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है नाउ अब मैं यहां पे लिख देता हूं इफ ऑफ आई मॉड्यूलो प्राइम फैक्टर जे मतलब कि जे इंडेक्स पे जो प्राइम फैक्टर है इक्वल टू जीरो मतलब कि ये इसको डिवाइड करता है तो अगर ये पहले आ चुका है तो मेरा आंसर यस yes हो जाएगा क्योंकि ये यहां पे भी आ रहा है पहले भी आया था सो इफ मैप ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ जे इक्वल्स टू इक्वल्स टू ट्रू देन आंसर इक्वल्स टू इक्वल्स टू यस एंड ब्रेक कर दो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इसको ट्रू मार्क कर दो क्योंकि अब तो ये इसका फैक्टर आ गया तो हमने ट्रू मार्क कर दिया ठीक है पहली चीज दूसरी चीज अब एक बात समझो यहां पे मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी वो क्या है वाइल of आई मॉड्यूलो पी प्राइम फैक्टर जे इक्वल्स टू इक्वल टू जीरो ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई डिवाइड बाई प्राइम फैक्टर एट जेथ इंडेक्स अब यह हम क्यों कर रहे हैं देखो यहां पर हम स्क्र रूट ऑफ एफ आई तक ही ट्रावर्स कर रहे हैं ठीक है अगर ये इससे बड़ा हो गया तो हम ब्रेक कर देंगे अगर मेरा नंबर है टू इंटू टू इंटू सेवन ये कितना हो जाएगा फोर सेवन जवेंटी एट ठीक है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा फाइव तो मैं फाइव तक ट्रावर्स करूंगा अब एक फैक्टर हो गया टू और ट्वेंटी एट को जब मैं टू से डिवाइड करूंगा तो मुझे फोर्टीन मिलेगा लेकिन मैंने क्या बोला था हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही स्टोर करने हैं क्योंकि हो सकता है दो नंबर्स के बीच में सेवन कॉमन फैक्टर हो और फोर्टीन ना हो लेकिन यहां पर हमें सेवन तो मिल ही नहीं रहा क्योंकि ट्वेंटी एट बाई टू विल गिव मी फोर्टीन और फाइव तक ही हम ट्रावर्स कर रहे हैं जैसे ही प्राइम फैक्टर ऑफ़ 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 तो प्राइम फैक्टर ग्रेटर देन ए आई होगा मतलब कि रूट से बड़ा हो जाएगा तो हम ब्रेक कर देंगे तो इसके लिए हमें यह करना पड़ता है अब देखो जैसे यहां पे टू आएगा तो 28 को मैं पहले 2 से डिवाइड करूंगा 14 हो जाएगा वापस 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 हो जाएगा ठीक है एक केस हो सकता है अगर उसका कोई प्राइम फैक्टर है जो कि स्क्वेयर रूट से बड़ा है तो वो अकेला बच, बच जाएगा वरना वो अगर उसके सारे फैक्टर्स जो है वो स्क्वेयर रूट से कम है ठीक है प्राइम फैक्टर्स तो वो वन में ख, वन हो जाएगा जैसे कि नंबर है मेरा लेट सपोज ट्वेल्व तो ट्वेल्व इज नथिंग बट टू इंटू टू इंटू थ्री तो हम स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व तक ट्रावर्स करेंगे तो पहले जब टू आएगा तो 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 है 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 अभी भी ना अब हमारा क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो जब हम फोल लूप के बाहर निकलेंगे तो क्या होगा अब यहाँ पे थ्री आ गया तो अब यहाँ पे हम जब बाहर निकलेंगे फोल लूप के और जैसे कि ये फोर लूप टूट जाएगा क्योंकि प्राइम फैक्टर ऑफ जे टू के बाद क्या आएगा थ्री थ्री इंटू थ्री इज ग्रेटर देन थ्री ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई थ्री तो अब ये फोर लूप जो है यहां पे ये इफ कंडीशन हो गई तो इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन वन अभी भी कोई फैक्टर बच गया है या तो फिर मान लो एट होता तो एट तो तीन बार डिवाइड हो जाता फोर बाई टू फिर टू बाई टू और एंड में वन हो जाता ठीक है तो अगर कोई फैक्टर बच गया है जैसे कि इसमें सेवन इसमें थ्री तो वो भी ग्रेटर देन है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा ठीक है यहां पे हमारा फोर लूप खत्म हो जाएगा ठीक है जब हम फोर लूप के बाहर निकलेंगे तब की बात है तो ऑफ 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 इफ इज ग्रेटर देन एंड अगर A I पहले आ चुका है क्योंकि ए ऑफ आई भी एक प्राइम फैक्टर होगा जो एंड में बच जाएगा हमने अभी देखा था स्क्वायर रूट ऑफ एंड से एक ही बड़ा प्राइम फैक्टर हो सकता है अगर वो बच गया तो तो उस केस में हम क्या करेंगे आंसर इक्वल्स टू यस कर देंगे अगर वो पहले आ चुका है तो और ब्रेक कर देंगे अगर नहीं है एल्स तो मैप ऑफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे अभी वो विजिट हो गया अब आगे देखेंगे तो इससे क्या होगा जैसे ही हमें कहीं आंसर वन मिलेगा तो ब्रेक हो जाएगा ऑल्सो यहां पे एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी इस लूप के बाहर इफ आंसर इक्वल्स टू इक्वल्स टू यस अगर एक भी यस yes मिल जाता है तो ब्रेक कर दो है ना और इसके बाद ये जो स्टार्टिंग का फोर लूप था इक्वल टू जीरो टू एन वाला वो क्लोज होगा ठीक है क्योंकि एक ही पैर अगर मिल गए यस ही एक भी कॉमन फैक्टर मिल गया जो सक्सेसफुल पैर बनाता है तो ब्रेक कर दो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है तो इससे हमारा काम हो जाएगा अब यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एंसर इसका हो गया वो टेन की पावर फाइव तक जा रहा है इन टू ये P1 जो है है वो 10,000 तक जा रहा हालांकि उसको थोड़ा तो ब्रेक हो जाएगा फिर यहां पे ये यह सब तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है ये तो सिर्फ इफेल्स स्टेटमेंट है नाउ यहां पे बहुत एग्जेक्टली exactly हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन नहीं कर पा रहे जिससे कि यह टाइम लिमिट में हो जाए बट इससे बेस्ट नहीं हो सकता और इससे आंसर भी एक्सेप्ट हो रहा है ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सॉल्यूशन कौन मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया थैंक यू